खुले हैं। चलो राहुल गया, स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्न त्रिज्या वाला क्या है? गोले है, और उसका निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना। अब लोग जो पढ़ रहे हैं एरिया रिलेटेड टू 3D फिगर पढ़ रहे हैं, 3D फिगर का एरिया एंड वॉल्यूम हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D फिगर, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D फिगर। निम्न त्रिज्या वाले गोले का सरफेस एरिया निकालना है। देखो एक नंबर में यहाँ जो दिया है त्रिज्या दिया है ना 10.5 सेंटीमीटर। अरे टूल दोस्त कहीं ले चला, कहते हैं सुनने में बैठो ना, इधर आ करके आएगा कभी अपने। क्षेत्रफल गोले का क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है गोला का क्षेत्रफल? 4πr² वृत्त का 4 गुना किसके क्षेत्रफल होते हैं? गोला का होता है ना। वो दिक्कत 4 गुना जाएगा तो कलम भी ले लेना भवटिया से, पैसा ले लेना क्लास के बाद, हमको याद नहीं रहता है। 4×22.7×10.5 गुना रात में है ना, 10वां का पूरा भेज दिया फिजिक्स फेयर देखें, 1 साथ पूरा फिजिक्स का है। मैग्नेट से सिस्टमेटिक होगा, मैग्नेट और करंट जो पहले भेजे थे, बाकी कुछ दिक्कत था उस पर उनका मार्क्स खींचे थे नेका नंबर, उसमें कुछ क्लास नोट्स भी पूरा भेज दिए हैं फिजिक्स का। एलमेलन एक मेलन पीडिया भी फेयर का है, मैग्नेट अलग करके है ना, मैग्नेट बढ़िया से फेयर करेगा अपना जा करके। एक में देखना होगा तो भी है, अलग करना होगा तो भी, 95 में होगा पूरा फिजिक्स। 4×22.7×10.5 पूराओगे 21/2 कते हो जाएगा? 4×22.7×21/2×21/2 7×21=4 21×63 22×21=63 समझ में आ गया ना। ये गुना करके कितना होता है? 1300 होगा, 1386 सेंटीमीटर² क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। पैसा कमाना ही सिर्फ महानतम नहीं है, पैसा का सदुपयोग करना सही जगह वो भी बहुत ज़रूरी है। वही तो जरूरी है, समझ में आ गया ना। जैसे इसके अंकल का चला गया, अभी जानकारी नहीं था तो ना चला गया, क्या प्रॉब्लम था इसकी? जानकारी था फिर भी चला गया, अकाउंट से पैसा निकालने के लिए। टेक्नोलॉजी के विषय तो जानकारी नहीं होगा इस कारण से, वही है ना। पैसा भले ज्यादा है लेकिन टेक्नोलॉजी ही तो है, बहुत आदमी पैसा काफी है लेकिन उस पैसा किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए ताकि वो 2% से 20% बना पाए, यही दिक्कत सबसे बड़ा चीज है। जितना टेक्नोलॉजी ज्ञान होना काफी क्या है, जरूरी है। समझ में आ गया, इसलिए देखते थे राजा महाराजा ऋषि रहता था, रखता था साथ में बाबा जी को, बुद्धि वाला आदमी को वो बीज बताता था कि करो नहीं करो। समझ में आ गया, तो बहुत जरूरी है इसीलिए। समझ में आ गया, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात की, जबकि बात गोला का चलो नहीं बताएंगे सवाल, व्यास देकर फिर ज्यादा नहीं बनेगा सवाल, आसानी से बनेगा सवाल। समझ में आ गया ना। सुनो 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिस खोखले गोले के अंदर अपना कर्तव्य खेल दिखा रहा है उसका व्यास 7 मीटर है। सर्कस का क्या है? मोटरसाइकिल सवार है, एगो खोखला गोला के अंदर अपना कर्तव्य खेल दिखा रहा है मतलब, ठीक है ना। उसका व्यास कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। तो व्यास है 7 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर है ना। मोटरसाइकिल सवार के पास ये कर्तव्य दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है? जितना होगा उसका क्षेत्रफल उपलब्ध है। एरिया निकालेंगे सीधा 4πr² कर देंगे, 4×22.7×7/2×7/2 7 कैंसिल 2 कैंसिल 15 7 सेंटीमीटर² है ना, सेंटीमीटर मीटर मीटर में था, मीटर इतना क्या मीटर क्या हो जाएंगे स्क्वायर, इतना स्क्वायर फिजिक्स पढ़ने का भेज दिए हैं।
पूरा लाइन वाला लाइन है, इसको जोड़ दीजिएगा नंबर को, सब आएगा समझ में आएगा ना। अब जा करके अपना ड्राइव में सेव करना है कि कुछ और सेव करना है, कर सकते हो। यूट्यूब वीडियो भी डाल चुके हैं सब चीज़। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। गोले क्या निकालना है? आयतन जिसकी त्रिज्या दे दिया है 7 सेंटीमीटर। गोला का आयतन कितना होता है? 4/3 π/r³। तो वॉल्यूम बराबर होता है 4/3 π/r³। 4/3 × 22/7 गुना 7 × 7 × 7 कैंसिल। कटेगा? चलो नहीं कटेगा। 4/3 × 22 = 3 1437। बढ़िया सवाल नहीं मिल रहा है। एगो आपकी बात पचपन साल ठीक है, इतना सेंटीमीटर फॉर्मूला दीजिए, बैठाइए। सब क्या पूछेगा एग्जाम में? उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए, थोड़ा ठीक ठाक है, थोड़ा दिमाग में। उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित, हटाए गए मतलब विस्थापित। एक ठोस गोलाकार क्या है? ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। समझ सकते हो? आर्किमिडीज प्रिंसिपल कर सकते हो। एक ठोस गोला है, पानी में डाला है, तो पानी कितना विस्थापित करेगा? अपना वॉल्यूम बराबर करेगा विस्थापित। वो लोग पढ़ चुके हैं कंसेप्ट भी, यहाँ बात भी मैथमेटिक्स में भी कह रहा है, समझ में आ गया ना। तो उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित क्वेश्चन में कहा पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास कितना सेंटीमीटर है? निम्न है। व्यास निम्न है, व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर। व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर कितने होगा? 14 सेंटीमीटर। हटाए गए पानी का आयतन वॉल्यूम बराबर होगा, किसके बराबर होगा? 4/3 π/r³ बराबर होंगे। 4/3 × 22/7 गुना आर का मान 14 × 14 × 14 गुना करके दे क्या? हाँ करो ना, तुमको नहीं पता गुना हुआ कितना कंट्रोल है। 11.4986 cm³ होगा। बात खत्म करो। कोई दिक्कत? गुना भाग पढ़ाएंगे? नहीं, दिन आ गया। क्वेश्चन नंबर 57। एक शॉट पट SHOT PUT एक शॉट पट 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धातु का गोला है, यानी कि एक शॉट पट किसका 4.9, एक शॉट पट है 4.9 कुछ होगा, 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धातु का क्या है? गोला है, धातु का गोला है। इतना खाली गया ना, बस लिख देंगे 4.9 सेंटीमीटर कुछ हो, फट हो कि खट हो। यदि इस धातु का घनत्व डेंसिटी 7.8 g/cm³ है, अच्छा डेंसिटी दे दिया है, उसका डेंसिटी दे दिया है 7 लगता है, फिर भी हम लोग बना दें 7.8 g/cm³ दे दिया है, तो शॉर्ट पट का द्रव्यमान क्या ज्ञात करिए? शॉर्ट पट का क्या ज्ञात कीजिए? द्रव्यमान यानी कि मास बराबर फट, घनत्व यानी कि रो का दो इसको, द्रव्यमान घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, रो बराबर होता है मास बटे। अच्छे सवाल, थोड़ा सा अच्छे सवाल कैटेगरी में बोला रो बराबर बटे क्या है? हमको निकालना क्या है? मास निकालना है जी, मास। एक ही से बनाया होगा बच्चा, ठीक है कोई बात, हम लोग डायरेक्ट करेंगे, हम लोग डायरेक्ट फिक्स कर लेंगे। मास निकालना यहाँ से है, तो डेंसिटी गुना वॉल्यूम कर देंगे, तो डेंसिटी कितना है इसका? डेंसिटी है अपना 7.8 ग्राम पर मीटर, और यहाँ से वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम 4/3 π³ वॉल्यूम हो जाएंगे इसका, है ना? तो 4/3 π³ ले लेते हैं एक बार ताकि तुमको ध्यान रहे। 7.8 × 4/3 π का मान 22/7 और रेडियस का मान, रेडियस का मान 4.9 × 4.9 का था, मतलब कितना भाग देते हैं 4.4 × 8 कितना होता है? रहने दो, ऐसे 4.9 × 4.9 × 4.9 0.7 कट जाता, कटता होगा इसे, समाज के लोग बहुत कटते हैं, कटने के लिए की करेगा? आए? आए बोलो कितना बट्टे क्या करेंगे? हो गया ना, बट्टे काट लेंगे, चार आंसर आएगा, चार आंसर थोड़ी आएगा। करो गुना भाग कितना होता है, काट क्या मरते में कटेगा 49 0.7
और तीन से कटेगा ये नहीं कटेगा करो ना कैलकुलेटर कटते आता वही आंसर होगा सवाल बन गया। अरे एग्जाम में नहीं देगा ऐसा कंपटीशन में जनरली वैसे सवाल पूछे जाते हैं गुना भाग आसानी से हो जाए ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़े खास करके पॉलिटेक्निक की बात करते हैं समझ में आ गया ना क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम कॉलेज में एडमिशन के लिए होती है समझ में आ गया ना। अब तू लोग तैयार करते पढ़ लिया एकदम से कहने का वर्णन है फिर देखो जाकर अब क्या पढ़ा अब पता चलेगा थी नहीं पता चलेगा फिर क्या पढ़े हो दसवां का भी सब चीज का भी पूरा एकदम से शिवम पूरा थी नहीं निकालेगा पूरा हम निकालेंगे ये देखिए ये निकालेंगे इसके जाकर मोबाइल से अथी करेंगे फालतू को यह सटीक रहेगा देखेंगे सवाल बनाएंगे ठीक है जो इच्छा होगा करना अपना हम तो यही लिखा सर इतना निकला 49 लिखा 4 पॉइंट भाग दो 4 पॉइंट इतने ठीक है ना अरे भाग दो ना उसको 3845 निकला सर 3845 निकला ना 3845.4416 ठीक है कितना उसका कितना निकला 3845.4416 तुम्हारा कैलकुलेटर सही है 3845 अरे अच्छा रहेगा हां से लिख लेगा ना 3845 उसके बाद सर हाथ से तो बोल बन रहा है 4 6 4 6 4 4 4 1 6 इतना ग्राम निकला इसको 1000 से भाग देगा तो 1 2 3 3.8 काफी से लिख लो मतलब नोट्स बना लो तो अच्छा रहेगा फिजिक्स का बन गया केमिस्ट्री का बोल रहा है वो बना लेंगे तब कहिएगा अपने लिखा केमिस्ट्री से मतलब हाथ से लिखा नोट्स बढ़िया कॉपी किन लोग अच्छा वाला 150 वाला अच्छा कॉपी जो कि आगे 20 साल तक चले कम से कम बेटर कॉपी होना चाहिए क्योंकि फिर बार बार नहीं बनाया जाता एक ही बार लोग फिर बनाते सोचेगा बाद में कर लेंगे नहीं होगा संभव अभी तूने लिखेगा ना थीन वाला निकालेगा ना प्रिंटर निकलेगा लेकिन उतना फिर भी बेटर नहीं होते मीटर जाएगा वो और दूसरा बात सबसे पहली बात अपना अक्षर ही अपना अक्षर समझ में आते हैं वो अनुभव तुमको लगेगा और तीसरा बात लिखोगे तो याद होगा चौथा बात मिटेगा नहीं कभी बाद में फैक्ट अच्छे तरीके से ऐड कर सकते हो और वैसे सिस्टमेटिक रूप से तुमको अलग जो गुजरा कॉपी में लिखा होगा एक जगह अच्छे से बना सकते हो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है भविष्य में चाहोगे नोट्स बना लेंगे हम तुम भविष्य में नोट्स नहीं बना पाओगे ये बात जान लो तुम क्लास के साथ साथ जो नोट्स बन गया तो बन गया बाद में नहीं बनता है नोट्स झूठे कहता है बना लेंगे उन सब विद्यार्थी बहुत देखे हैं उस सब अलग अपने होगा अभी बनाओ साथ ही साथ एक दिन छोड़ देते हैं दूसरा दिन हालत खराब कर देगा क्लास के साथ साथ ही नोट्स बनाना है प्रॉपर नोट्स बनाना है तो ही अच्छा रहेंगे नहीं तो फिर भारी दिक्कत सामना करना पड़ सकता है समझ जाएंगे ना अभी जो तुम्हारे पास अब तो अब कहाँ कम है अभी एग्जाम भी नहीं आ रहा है तो डेली रूटीन बना लो कि 4 पन्ना डेली लिखना हमको बस 3-4 पन्ना डेली लिखना है एक महीना भी एग्जाम भी 20 या 60 पेज इसी में घिंच देगा तू सबको कितने पेज है जो भी पेज होगा अभी केमिस्ट्री का तेने भेजे ना केमिस्ट्री मोल करके खत्म कर दे भेज देखो ना ग्रुप में फिजिक्स तो ढेरी है सर अभी ये किया है 151 चलो ठीक है आगे हम लोग बढ़ते हैं अब व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने दूध आ सकता है जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना दूध आ सकता है इसमें क्या कहेंगे व्यास दिया है त्रिज्या निकाल लो अर्धगोलाकार अच्छा अर्धगोलाकार है चलो बता देते हैं अर्धगोला का क्या निकाल लो आयतन निकाल लो नहीं बन जाएगा सवाल देखो ये सब बेदराव वाला सवाल क्या ये सब ने बनाएंगे सब सुनो नॉर्मल क्वेश्चन बनाएंगे बढ़िया वाला सब बनाएंगे दिमाग काम करे यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगुनी कर जाए तो उसका क्षेत्रफल पहले की तुलना में कितना गुना हो जाएगा ये सब थोड़ा मोरा बनाने में ये के लेने का ठीक है यदि किसी गोले की त्रिज्या क्या किए हैं दोगुनी कर दिए हैं तो उसका क्षेत्रफल पहले की तुलना में कितना होगा तो क्षेत्रफल निकालेगा वैसे गोला का क्षेत्रफल निकालेगा तो क्षेत्रफल क्या होता है गोला का 4/3 पायर की होता है नया वाला जो है ना उसको 4/3 कितना गुना त्रिज्या कर दिए हैं दुगुनी कर जाए तो त्रिज्या कितने होगा यहाँ से 2r³ तो 4/3 2×4 × 8 r³ होगा ना और 8 गुना और सीधे जितना गुना होगा ना इसको कर करके आर का मान जितना गुना करके स्क्वायर क्यू करके उतने गुना होता है आंसर फिर भी चूंकि पढ़ा रहे हैं तो पूरा अच्छे तरीका से लिख देते हैं ये 8a हो जाएगा 8a यानी कितना गुना हो गया ए है ना ये 8a हो जाएगा 8 गुना हो जाएंगे समझ में आएगा नहीं अब ऐसे सॉल्व किया जाते हैं 8 गुना हो जाएगा आंसर कितना पढ़ाएंगे और तू कितना पढ़ेगा मन भी नहीं है पढ़ने का और पढ़ाने का भी तुम्हारा मन भी नहीं है पढ़ने का किसी ठोस अर्धगोले का आयतन दे दिया उसकी त्रिज्या निकालना है नहीं बनाएंगे सवाल
क्वेश्चन नंबर 12, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात ज्ञात कीजिए। थोड़ा ठीक ठाक है, ठीक है ना, समझ रहा है, ठीक है, नींद लग रहा है तो वो मोबाइल लो, देखो सीधा मोबाइल लिया, बढ़िया बढ़िया लोग की के राहुल खजरकंडी मोबाइल चला रहा है, एक घोला एक गोलाकार गुब्बारे में एक क्या है गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर एक गोलाकार क्या है एक स्फेरिकल गुब्बारा है और उसमें हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 से कितना होता है 14। तो पहले कितना था रेडियस उसका 7 था, 7, बाद में कितना हो गया 14 हो गया, 14 हो गया। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफल क्या निकालना है अनुपात, ये बताओ गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 4πr² बटे 4π कितना आर स्क्वायर, 4π कैंसिल आर छोटकार कितना है 7 और बड़कार की 7 के स्क्वायर बटे 14 के स्क्वायर, तो 7 × 7 14 × 14 7 × 14 1/4 तो 1 अनुपात कितने निकल जाएगा 4 निकल जाएगा, अनुपात 1/4 समझ जाएगा ना, बहुत लैंग्वेज दिखाया तू हमसे। अब किसी टंकी के गोलीय बाल्व की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। एक टंकी है और उसका एक वाल्व होती है टंकी का, नहीं जाने को क्या होती है, मान लो कि जैसे है लैंग्वेज फंसना, त्रिज्या का जितना मतलब गोलाकार है ना, त्रिज्या कितना सेंटीमीटर दिया है 4.2 सेंटीमीटर, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या निकालना है आयतन निकालना है, नहीं बनाएंगे उस गोले की त्रिज्या का जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है यह नहीं बनाएंगे। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग चौथाई है, इन दोनों क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। चंद्रमा कहा है ना, चंद्रमा कहा है, चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना चौथाई है 1/4 है। चंद्रमा का व्यास मान लेते हैं डी और पृथ्वी का व्यास मान लेते हैं भवघर डी, किसी को दिक्कत है एवं ठीक है ना, पढ़ते हैं क्या कहता है। चंद्रमा का व्यास किसका व्यास एगो को मान लो डी, चंद्रमा का है माने खाली किसको मान लो व्यास, पृथ्वी को मान लो चंद्रमा का निकल जाएगा। चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना चौथाई है 1/4 है, आसमान में आकर ना चंद्रमा का व्यास जो पृथ्वी के जितना व्यास होगा कितना था 1/4 है, ठीक है। इन दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तुमको पता है दोनों क्या है स्फीयर हैं, SE बटे SM मतलब S अर्थ बटे S, पहले क्वेश्चन में चंद्रमा कहा है ना, हाँ तो चंद्रमा का व्यास तत्काल पृथ्वी के व्यास का इन दोनों का अनुपात, तो पहले क्या हो जाएंगे मून अपॉन क्या हो जाएंगे अर्थ, मून अपॉन क्या होंगे बताओ अर्थ होंगे, बोलने रहा है तू लोग कुछ हो बोलो बोलो, 4πr² होता है पृथ्वी क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है पृष्ठ क्षेत्रफल का 4π मून है, तो मून का 4πr² और बटे 4πr² उड़ गया खत्म हो गया, समझ में आ रहा है ना। चूंकि तुमको चंद्रमा क्या पता है, ये चंद्रमा का क्या है जी व्यास है, व्यास व्यास का दोनों व्यास का था इड्डी है तो भरम मंत्र ना, भरम होने के लिए इड्डी दिया गया है वहाँ पर, भरम होने के लिए व्यास दे दिया है, त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग व्यास में दूसरे भाग दे देंगे, क्या डी बराबर क्या था फॉर्मूला, डी बराबर 2r, आर बराबर डी बटे कभी भी व्यास दे रहे हैं क्वेश्चन में दे दिया है, त्रिज्या निकालना होगा दूसरे क्या करो उसमें तो भाग दे दो, आर ये किसका आर है चंदा ममक है, दो से भाग देगा आधा फिर करेगा तो डी बटे 8, डी बटे कितने होंगे 8 का स्क्वायर अपॉन में इसके जगह डी बटे 2 का स्क्वायर, तो डी बटे 8 और गुना ऊपर जाएगा 2/d और पूरा का डी डी कैंसिल 2×4 1/16 किसी को कोई दिक्कत भी है, एक अनुपात 16 नेक्स्ट
क्या गो लगे लिए तो पाँच टाका पाँच टाका क्या था पहले तीन गो लगे लिए अभी जल्दी करो टाइम इन्वेस्ट नहीं आज दसवां का शुरू कर रहे हैं आज कोशिश करेंगे किसको निपटा देंगे नहीं तो कल तो ब्रह्मा भी निकाल सकता है खत्म होने से इसको सर चैप्टर को मेंसुरेशन वाला को पूरा इंटर दसवां सहित खत्म मेंसुरेशन जा कर अपना करते रहो काम सॉल्व बनाते रहो जब बताइए पूरा पढ़ा दिए तैयो कहता है प्रिज्म से सवाल आता है हाँ प्रिज्म से नहीं से नहीं देखे हैं संकुए बलाम तो है पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय ज्ञात कीजिए हाथ लगा रखो पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे एगो पीतल से बने अर्धगोलाकार क्या है कटोरा है कटोरा का व्यास कितने है 10.5 तो कटोरा किसका बना है जी पीतल का उसका व्यास कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर क्या है उस कटोरा का व्यास तो व्यास 10.5 है तो त्रिज्या बोलो त्रिज्या तो हो जाएगा 10/2 जी बेटा 2 त्रिज्या व्यास का था त्रिज्या और त्रिज्या का दुगुना व्यास तो 10.5 है 2 से क्या करोगे भाग दो दोगे 10.5 होता है 21/2 यानी कि 21/2 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे 4 सेंटीमीटर क्या निकल जाएगा इसका उस कटोरे का अर्धगोलाकार कटोरे क्या निकल जाएगा त्रिज्या 21/2 क्या निकल जाएंगे 4 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलाई करने के बाद याद कीजिए बोलो 21/4 ठीक है रांची में भर्ती करना पड़ेगा हमको सर का कोई उपाय नहीं कहीं लाज नहीं तो कटोरे का 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर खर्चा लगता है 100 रुपया तो बताओ ये कटोरे के पूरा आंतरिक क्षेत्रफल जो जो भी होंगे उसको पेंटिंग उंटिंग कुछ किया है वो कलाई करने में वही पेंट करने में कितने रुपये खर्चा पड़ेगा तो पहले क्या निकाल लेंगे हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे किसी को दिक्कत तो एरिया निकाल लेंगे एरिया बराबर अंदर वाला कितने होगा 2π² अंदर वाला कितना होगा क्या निचला का ऊपर लगा सर्कल कहेंगे पेंट किया तो खाली कटोरा में सर्कल होता है लगेगा स्फीयर लेकिन ढका थोड़े जी खुला है ना खोखला है क्वेश्चन में कहा है पता चल रहा है तो 2π² होंगे तो 2×22 टेम नहीं हुआ छुट्टी का छुट्टी अब लग रहा है कि ढेरी पढ़ा दिए हैं तू लोग को 2×22 अक्कच हो गए पढ़ाते पढ़ाते छुट्टी लेंगे अब रोज छुट्टी एक दिन में संडे को बंद रहेगा अब्सेंट रहेंगे 2×22 7×3 21/4 7×4 इंग्लिश में बोल रहे हैं 2×4 2×11 22 जो भी अपना होगा चलो सब चलता है हाँ और देखो कटने वाला है 21 63/4 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल चुके हैं इसका निकल चुके हैं क्षेत्रफल निकल चुका है सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर अब क्या निकालना है इसके बाद इसका आयतन निकालेंगे 16 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट से क्या निकालना है जी टोटल इनकम निकालना है कितना लगेगा बनाने में खर्चा 16 रुपये प्रति यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर खर्चा कितना लगता है जी 16 रुपये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना लगते हैं 16 रुपये लगते हैं बता 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना लगेगा इतना बेटा इतना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16/100 जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया 63/4 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा 63/4 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 16/100 के बराबर नहीं है जी बड़का डैश है मत बुझना बराबर उतना नहीं है फुर्ते हमको लिखने का तुमको सब बात लिखेंगे हम इसीलिए 63/4 4×16 25×100 63/25 63/25 अंकित कुमार गुना भाग करो एक बार 25×50
गुना भाग इसमें सर 25 दुना 50 हो गया 13 25 60 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। कहीं खत्ते गुना करेंगे कहीं गलत किया है कहीं मिस्त्री ने चेक करो एक बार मेरा अलमारी में सर 2 पा 1 मिनट 2 पा आर स्क्वायर का मान आ गया 4 गुना कैसे बेटा 4 25 125 बचा 5 माहौल शांत रखो थोड़ा सा 50 हो गया आंसर 7 × 21 किया ठीक है ना। फिर 3 किससे काटा फिर 2 × 4 2 × 11 = 22 11 × 63 गुना 11 इसलिए सोचे कि कैसे हो रहा है गुना कोनो बात नहीं है गुना 11 बराबर 27.72 रुपये हो जाएंगे आंसर। कोई दिक्कत क्या मैट्रिक नंबर के तुला हमसे पढ़वा रहा है एक गोला का देख चलो ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 18 एक गोला के व्यास में 25% कमी हो जाती है ठीक है ना सवाल परसेंटेज वाला है। लोग कहता है कि नमा में नहीं है सवाल ये सब कहेंगे देखो सब चीज मिलेगा ठीक है करो जरूरी है वो मतलब अब मैसेज क्या उधर इधर से नहीं करेगा क्या कहे मैसेज नहीं किया लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करो। एक गोले के व्यास में 25% का डिक्रीजिंग होता है कमी कितना परसेंट का होते हैं 25% का एक गोले हैं एक स्फीयर हैं उसके डायमीटर में 25% हम लोग कम कर देंगे बात समझ में आ रहा है ना ठीक है कर देंगे कोनो बात नहीं है व्यास दी है त्रिज्या डिवाइडेड होगा सब जानता बात। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने परसेंट कम हो गया कोनो मायने है इसका गोला का व्यास में कितना कमी किया है 25% कमी किया है डायरेक्ट इसको हम बनाने के विचार बनाते हैं देखो डायरेक्ट हिट विकेट डायरेक्ट कौन चीज हिट विकेट जब भी परसेंटेज वाला सवाल चले है कमी बेसी के नहीं बेसी के या कमी के नया वाला पूछे तो डायरेक्ट निकालेंगे डायरेक्ट ही लिखेंगे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में परसेंटेज कमी क्या कहते हैं 1000 से गुना सीधे लिखें। अच्छा व्यास कितना था डी तो त्रिज्या कितना होगा इसका आर बराबर डी बटे टू हो जाएगा त्रिज्या कते कमी किया है कोई नहीं बोल रहा है 25% कमी किया है बाजार जुगाड़ लगा रहे हैं एक बार सवाल को उड़ा देंगे तो गोले के परसेंटेज कमी बराबर अरे कमी निकालना है ना की निकालना है कमी निकाल पहले कितना था क्षेत्रफल उसका एस था कितना क्षेत्रफल था उसका एस था अब तू की किया है अब हम सर 25% घटा दिए हैं 25% घटा दिया है तो कितने घट जाएगा 25% क्या किया है त्रिज्या घटा दिए ठीक है एस माइनस कितने हो जाएंगे एस माइनस एस वन हो जाएंगे एस वन निकालेंगे सर डिवाइड गुना 25/100 माइनस कर देंगे उसको फिर डी से मतलब डिवाइड व्यास डी में कमी डायरेक्ट हम विचार कर रहे हैं ब्याज डी में कमी बराबर कितने कमी किया जी डी में 25% कमी किया डी में तो 25/100 डी यानी कि 1/4 डी सीधा अब बोलो परसेंटेज हटा दिमाग से 1/4 डी हो गया अब परसेंटेज दिमाग से निकाल फेंक दो अब नहीं है परसेंटेज सवाल अब नहीं है हो गया अभी बताओ पहले कितना है ब्याज डी है ब्याज अब कितना ब्याज हो चुका है 1/4 डी ब्याज हो चुका है तो बता कितने निकलेगा क्षेत्रफल यानी कि पहले था कितना डी अब कितना हुआ है उतना घटा दिए हो कितना बचेगा 75 डायरेक्ट में निकाल सकते हो 75% बचेंगे ना तो चलो हम लोग बात करते हैं एस माइनस क्या कर देंगे एस वन एस है किया पहले का वाला 25 हाँ इसका त्रिज्या निकालोगे ना आर वन बराबर तो डी में 2 से भाग दोगे तो डी बटा क्या हो जाएंगे 8 चलो निकालो त्रिज्या इसका तो त्रिज्या अति क्षेत्र कौन क्षेत्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर और माइनस 4 पाई आर1 स्क्वायर 4 4 5 दोनों में क्या होंगे 4 5 दोनों में कॉमन हो जाएंगे आर आर इसमें देखो इसमें परसेंटेज निकाल रहे हो ना 100 क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा 100 क्या करना पड़ेगा जी
गुना करना पड़ेगा आर का मान बोलो यहाँ से डी बटे अब बनेगा तब ना तरीका से डी बटे आर वन स्क्वायर कितना है डी बटे एट का क्या है ये डी बटे एट का बोलो स्क्वायर है ठीक है ना डी बटे एट का क्या है स्क्वायर है और गुना 100 किसी को दिक्कत यहाँ तक है एक गोले के व्यास में 25% कमी हो जाती है एक गोला है पहले व्यास डी है सर एक चीज यहाँ सर 25% कमी हुआ तो कोई भी हम 100% उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितने परसेंट कम हो गया व्यास पहले कितना है उसका है व्यास कितना है उसका डी है डी था पहले तो डी माइनस हो जाएगा देखो ना व्यास डी है एक गोला है इसका व्यास कितना है अभी डी है अब क्या किए हैं इसके व्यास में 25% क्या कर दिए हैं कमी कर दिए हैं अब व्यास कितना हो चुका है इसका डी बटे फोर हो चुका है अब इसका व्यास कितना हो चुका है डी बटे फोर तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने परसेंट कम हो गया तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे अब मैंने इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितने परसेंट कम हो गया ना एक मिनट रुको हमको क्या निकालना है हमको निकालना है कि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना परसेंट कम हो गया यही निकालना है यानी कि समझो ये क्वेश्चन है इसमें ध्यान लगाओ पहले इतना था अब इतना हो चुका है पहले तुम्हारे पास 10% है अब पाँच पहले तुम्हारे पास 15% था मान लो पहले कितना टका था 15% अब तुम्हारे पास 9% बच गया है पहले कितना टका था तुम्हारे पास 15% था अब क्या टका हो चुका है 9% तो कितना पैसा कम गया कितना परसेंट पैसा कमा 6% यानी कि निकाल लेंगे इस प्रकार से 100 गुना करके परसेंटेज चलाएगा 100 जो भी है अपना सर हम एक चीज कहना चाहते हैं यहाँ इतना थोड़े हुआ कमी सर कमी तो इसका मतलब डी में से ना हम घटाएंगे डी माइनस 25/100 डी उसके बाद यानी 75 हो जाएगा 75/100 डी यानी कि 3 हो जाएगा 25 3/4 डी उसका फिर आर निकालेंगे तो 3/8 डी हो जाएंगे 25% त्रिज्या में कमी हुआ ना ब्याज डी में कमी गोले के ब्याज डी में 25% निकाला ठीक है तो नए गोले का ब्याज तो सही कह रहा हम तभी सोच रहे थे तो इसको क्या करना पड़ेगा हमको 25/100 डी माइनस कर देंगे 25% डी अब हुआ डी माइनस 25% क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ये होंगे इसका ब्यास अब शूट करेगा अब शूट करेगा टेक्निक से नहीं करेगा अब निकल जाएगा तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे बताओ डी माइनस 25% डी है ना तो 25% 1/4 डी माइनस 1/4 डी तो कते हो जाएगा ये बताओ 3/4 डी तो त्रिज्या कते हो जाएगा 3/8 डी त्रिज्या हो जाएगा कमा है ना जी तो कितना का पहले था कितना डी था अब कितना हो चुका है 25% तो ब्यास डी में कमी तो यहाँ लिखो नया ब्यास क्या लिखो यहाँ से कचरा हो गया सवाल यहाँ क्या लिखेंगे नया ब्याज सीधा नया ब्याज लिखेंगे कुछ नया लेवल है सीधा लिखेंगे नया ब्याज बराबर डी माइनस 25% डी लिखेंगे गुना भाग 3/4 डी आ जाएगा दूसरे भाग दे देंगे 3/8 डी आ जाएगा अब टेक्निक अप्लाई करेगा जो मैंने कहा था ये क्या निकाल रहे हम लोग परसेंटेज क्या निकाल रहे हैं कमी निकाल रहे हैं समझ में आ रहे हैं सबको यहाँ तक कोई दिक्कत 100 गुना करने में कैसे बदल जाता है कोई डाटा परसेंटेज बदल जाता है तो 4π तो 4×22/7 तो यहाँ कते हो जाएगा 3/8 हो जाएंगे 4×22/7×100 और डी अब देखो यहाँ से डी स्क्वायर यहाँ भी है ठीक है डी का मान कहाँ निकल रहा है जी डी तो सर अपने मतलब घट जाए तो हमेशा कॉमन रहेगा सर डी तो ऑटोमेटिक मतलब डी तो कॉमन रहेगा ना हमेशा जितना निकलेगा वो नंबर हमको घटाना है ना उसका इस टाइप का बनाए थे हम सवाल ठीक है कोई बात नहीं हाँ वो बात है पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना परसेंट का क्या निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल में अतः गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में डायरेक्ट इसका हालांकि ट्रिक भी आता है डी स्क्वायर बाय टू कॉमन ले लीजिए आगे बताओ 1 - d² / 2 यहाँ से 1 - यहाँ से क्या बचेगा 3 स्क्वायर और d² / 2 कॉमन लिया है यहाँ बात करेगा तो यहाँ कते होगा 1/4 हो जाएगा रुको ना d² / 2 कॉमन लिया है ना 3/2 तो 8×8=64 है ना जी यहाँ पर 64 है ना तो 64 में से कितना कॉमन लिया है 2 तो यहाँ कितना बचेगा 32 बचेंगे ना हैं हाँ तो d² / 2 काट दें
दो दुना चार हमको गड़बड़ बुझा रहा है, दो दुना चार एक बार करने दो पहले ना। चलो ठीक है देख लेते हैं, ऐसे तो नहीं पूरेंगे को काट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से बनाते हैं। एक गोले के व्यास में 25% क्या कर देंगे, व्यास है, व्यास में 25% का क्या कर देंगे हम लोग, कमी हो जाती है तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितने परसेंट कम हो जाएगा, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में परसेंटेज क्या निकालना है, कमी निकालना है। डायरेक्ट सूत्र भी होते हैं इसके, परसेंटेज में कमी निकालना है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो नए गोले का व्यास, देखो इधर नए गोले का क्या निकाल लेंगे हम लोग, व्यास। तो पहले व्यास कितना था, डी, अब कितना परसेंट कमी हो चुका है व्यास में, 25%। तो डी माइनस 25/100 डी, यानी कि डी माइनस 1/4 डी क्या हो जाएगा, 4D हो जाएगा, यानी कि 4×4=3D क्या निकल जाएंगे, 4 निकाल लेंगे। अब पहले वाले गोले का निकालो पृष्ठ क्षेत्रफल, कौन गोले का, पहले वाला गोले का क्या होगा पृष्ठ क्षेत्रफल, 4π r² क्या होंगे पहले वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 4π r² होंगे, तो 4π और डी आर का मान तो डी होगा, d/2 पहले वाला गोला का, d/2 हो जाएंगे, तो उसका दो दुना चार चार कट गया, यानी कि पाए क्या होंगे d², ठीक है। दूसरे वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, दूसरे वाले गोले क्या निकालने, कुछ और सवाल मत था, हम कुछ और दिमाग लगा रहे थे, नहीं बना, चलो कोई बात नहीं है। दूसरे वाले गोले क्या निकालेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या होगा 4π r² तो 4π r² का मान 3D/2 क्या निकालेंगे हम लोग, 3D/4² तो ये वो चार चला गया ना, तो चला गया तो 3×9 क्या हो जाएगा, 9/4 रहने दो उसको, यही तो इसमें टेक्निक्स है, 4×16 ठीक है, π d² 3D/ ये तो व्यास निकला है ना, हमको क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है ना, तो दो से क्या करना पड़ेगा, फिर गुणा करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। अब हुआ, चलो एक बार कर देते हैं इसको, 4π × 3×9 अब 4×8=64 d² 4 से काटो इसको, 16×64 9/16 क्या होगा d² 9/16 क्या निकल जाएंगे d² नेक्स्ट पेज लाओ जाओ, π/9/16 क्या होगा π d², बोलो ये π d² किसके बराबर था, ये याद रखो, s बराबर था ना, π d² किसके बराबर थे, s के बराबर π d² थे, यहाँ से 9/16 क्या निकल जाएगा s, अब सवाल बन जाएंगे, 9/16 क्या निकल जाएंगे s, अब क्या निकालना है परसेंटेज कमी निकालना है, तो पहले देखो अब हुआ, पहले कितना क्षेत्रफल था उसका s था, पहले कितना क्षेत्रफल था s, अब कितना हो चुका है 9/16 s, सिंपल सी बात है, पहले था तुम्हारे पास कितना रुपया, 15 रुपया था, अब कितना रुपया हो चुका है 9 रुपया, क्या टका बचा जाओ 6 टका, अब उसको परसेंटेज क्या करेंगे हम लोग, निकाल लेंगे परसेंटेज, ऐसा परसेंटेज कमी नेक्स्ट पेज लाओ, है पेज, अब क्या निकालेंगे हम लोग परसेंटेज कमी निकालेंगे, सवाल में कुछ नहीं था, दिमाग खराब, चलो इस टाइप का सवाल आए ना, अभी कुछ ट्रिक इस का देते हैं, और उसका प्रोसेस से भी ट्रिक देखते हैं, प्रोसेस से भी देखेंगे अभी स्टाफ को ना सर के, अभी बना है ना प्रोसेस ट्रिक दोनों से, क्योंकि एग्जाम में ट्रिक याद रहता नहीं है, नहीं समझ में आया, पहले कितना एस था वो निकाल लिए, और दूसरा का कमी बेसी कहेगा ना, कमी बेसी वाला एस सेक्टर में निकालना, अब घटा देंगे, हाँ अब क्या निकालेंगे परसेंटेज क्या निकालेंगे हम लोग, कमी निकाल लेंगे, है ना, तो एस माइनस 9/16 s और गुना कर देंगे किससे हम लोग, 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, समझ में आ गया, 100 से गुना कर देंगे, ठीक है, परसेंटेज कमी निकाला है, तो अतः गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में कमी, पहले कमी निकालो क्षेत्रफल में क्या निकालेंगे पहले हम लोग, एक स्टेप ज़्यादा लिख देते हैं बाद में सॉर्ट करेंगे इसको, घटाओ इसको, 16 में से 9 गया 7/16 s इतना निकल चुका है, नहीं निकल 7/16 s निकल चुका है, अब निकालना है गोले के पृष्ठ, इसीलिए गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में परसेंटेज कमी निकालना है, फिर s से भाग कह दिया है ये, इसीलिए गोले के
गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में परसेंटेज कमी। एस को नहीं देखना हम लोग, एस को भाग दे देंगे हम लोग, सिर्फ देखेंगे डाटा। क्या देखेंगे? डाटा। तो 7/16 गुना क्या हो जाएगा? 100। 7/16 गुना 100। 7/16 गुना किससे हो जाएगा? 100। तो 43.75% हटा इस सवाल को, एक बेसिक सवाल हम लोग लेते हैं। ये सवाल अभी नहीं था, नहीं पता चला। मान लो सपोज दैट, मान लो मेरे पास कितना रुपया है, 15 रुपया मेरे पास। कितना रुपया मेरे पास? मेरे पास 15%। इसको बेसिक बनाते हैं, हाँ खो चुरा चुरा के। मेरे पास 15 रुपया है। हम बोलेंगे कि ये बताओ कि 5% पैसा कम गया है हमारा। हम क्या बोले? 5% कम गया है। कम गया है पैसा, 5% कम गया है। 7.5 यानी 15। तो कितना बचा मेरे पास? 7.5 रुपये। छोड़ो ना वो सब, कितना परसेंट कमी हुआ? हाँ सवाल किसे बनाई? मेरे पास कितना टका था? 15 रुपये। 5% क्या हुआ है? कम गया। 5% क्या हुआ है? कम गया है। परसेंटेज से पढ़ाते हैं इसमें, तो इसमें लगाएंगे दिमाग। देखो अच्छा, कमा कितना है? 5%। 15% कमा है, यही तरीका सोच रहे थे तभी से हम। 15% क्या हो चुका है? ना ऐसे थोड़े बनेगा, परसेंटेज कमी निकालना होगा। 15 माइनस, ये तो फिर गलती कर दी। 15 माइनस 15 का 5%, 15 माइनस 15 क्या होगा? 5%। अब ऐसे क्या तो भी माइनस क्या कर देंगे, सिर्फ प्लस। हैं 5% पैसा कम किया है ना जी। हैं इस सेशन ले एग्जाम्पल को हटाओ, चलो ठीक है इसको रहने दो, रुको एक मिनट। 100 रुपया है मेरे पास, अब दिक्कत नहीं होगा सोचने में, कंसेप्टिंग चालू करना है। 100 टका मेरे पास है, 5% कमी का सबको पता है, 95 होगा, सबको पता है, कितने होगा पता है सबको। तो 5% पैसा कम गया है, तो परसेंटेज कमी मेरे पास था कितना? 100 टका था, अच्छी बात है। कमा कितना है? 5%। 5% पैसा क्या हो चुका है मेरे पास? कम गया है। कोई दिक्कत? 5% पैसा कमा है, 5% कमा है, तो बचा कितना? ये निकलेगा बचा वाला, निकलेगा था कितना मेरे पास? 100। कमा कितना? 5%। बचा कितना? 100 माइनस 100 का 5% डायरेक्ट छोड़ बता दीजिए। 100 क्या हो गया? कैंसिल यानी कि 95 रुपया। ये कंसेप्ट है परसेंटेज का, ऐसे बनते हैं सवाल परसेंटेज का, बनाया होगा। था कितना? 100। परसेंटेज कमी की कितना हुआ? 5। बचा कितना? 100 माइनस जो घटा दिया, जो कमाऊ। और यदि बढ़ा होगा यहाँ क्या कर देंगे? प्लस। क्या ये क्यों बताएं? इसी पर सूत्र अभी निर्माण करेंगे, इसीलिए बताया मैंने। इसी फार्मूला में क्या बनेंगे? सूत्र का निर्माण होंगे। और इस सूत्र को हम लोग देखते हैं, देखो देखो यदि किसी घन की भुजा में x% की वृद्धि हो तो उसके आयतन में परसेंटेज वृद्धि निकाले। उससे पहले क्वेश्चन ये बनाते हैं, सुनो क्वेश्चन। यदि किसी घन की अभी गोला पढ़ा रहे थे ना जी, घन कहाँ से चला आया? परसेंटेज चक्कर में। अच्छा ठीक है, परसेंटेज चक्कर में चला, ठीक है। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा, घन की प्रत्येक भुजा 50% वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए तो इसके, हम लोग का जगह क्वेश्चन आता है ना, एगो डाटा से आता है क्वेश्चन, मतलब एगो वृद्धि कहेगा भुजा, तीनों जल्दी नहीं कहता है कहने के लिए, एगो देखा होगा इसमें तीन को कह रहा है, नहीं मतलब बता रहे हैं एगो कहता है, तीनों ने कहेगा, एगो कहेगा, एगो कहेगा, क्योंकि वो बन जाता है बिना कंसेप्टिटी के का। इसीलिए यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा 50% वृद्धि कर दी जाए तो इसके आयतन में
परसेंटेज वृद्धि निकालो, आयतन में क्या निकालेंगे इसका? परसेंटेज वृद्धि, ये इसलिए बता रहे हैं ताकि इसका कोई भी सवाल क्या आए तो बन सके। देता है घुमाए घुमाए, आयतन में क्या निकालना है? परसेंट वृद्धि निकाल, इसका सूत्र देखो पहले के वो, तब फिर डैश प्रोसेस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब बटे में 100 और बटे में 100 का स्क्वायर, इसका क्या है ट्रिक निकालने का है घन वाला में, तो कते रहते घन वाला का अलग घना वाला का अलग नहीं रहना पड़ेगा, ढेरी दिक्कत है। तो 3 × x कितना है, कितना परसेंट वृद्धि किया है? 50। 3 × 50 × 50 बटे 100 50 × 50 × 50 बटे क्या हो जाएंगे 100 × 100, चलो करो गुना भाग, 50 × 100 25 × 50 50 × 100 50 × 100 2 × 25 और जाएगा 5 × 5 = 15 25 × 3 = 75 75 ये 4 है बच गया था, 25 × क्या कर देंगे हम लोग, 25 × 4 25 × 4 = 2 दू तो काटे देते ना 25 से, 150 + 75 कते होता है 225 ना, 225 225 × 2 और प्लस 25/2 करो इसको, 225 × 2 करके बताओ हमको कितना होता है, 225 × 2 = 450 का क्या हो जाएगा सीधा वृद्धि हो जाएगा, इतना परसेंट क्या हो जाएंगे वृद्धि हो जाएंगे, जब उसके घन के प्रत्येक भुजा कितना परसेंट बढ़ा देंगे हम लोग। ये तो ट्रिक था, तो ट्रिक तो अलग अलग सबका होता है, इसमें तो दिक्कत होगा, लेकिन तुम्हारे हमारे एग्जाम में एक के डाटा बढ़ाता है कोनो, तो हम लोग इस प्रकार क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। यदि वॉल्यूम कहता तो फॉर्मूला भी के भी ये रखते, तब इससे पहले बनाते ना सवाल, यदि वॉल्यूम कहता ना पहला वाला भी निकालते और दूसरा वाला हम निकालते हैं ना, वो भी के उसका यूज कर लेते हैं तब घटा करके तरीका दर्द कह देते, मतलब पॉइंट वाला जैसे इसमें बताते हैं कोशिश करते हैं। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा कितना परसेंट वृद्धि कर देंगे, 50% वृद्धि कर जाए इसके आयतन में, और सेकेंड प्रोसेस सेकेंड तरीका से क्या हुआ, मतलब उस टाइप से बना रहे हैं बना। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा 50% वृद्धि कर दी जाए तो इसके आयतन में परसेंटेज वृद्धि निकालना है। इससे पहले पढ़े थे भुजा क्या कर रहा था, कमा रहा था, अब की बार भुजा क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो पहले भुजा कितना है बताओ, ए नया भुजा, कौन भुजा, नया भुजा। तो नया भुजा में पहले ए था, ए का 50% क्या किया हम लोगों ने, बढ़ा दिया है, वैसे भी 3/2 हो जाएगा, ए है तो 50% डेढ़, एक है तो डेढ़ सीधे नहीं हो जाएगा, अरे पहले ए था एक हुआ है, और 50% डेढ़ हो गया सीधे 1/3/2 हो गया, वैसे भी 50 × 100 तो ए प्लस ए बटा क्या करेंगे 2, तो 2 × 2 = 3 ए बटा क्या करेंगे 2, ये समझना है ना। वैसे सोचो जितना परसेंट कहेगा, अरे सिंपल सी बात है, डायरेक्ट ही बनेंगे, डायरेक्ट ही बनेंगे सवाल, पहले कितना था, कितना परसेंट बढ़ाया भुजा, 50% बढ़ाया पहले, एक मान लो 50 यानी आधा भरा है, यानी कि आधा भी 1/1/2 1 + 1/2 यानी कि डेढ़ हो गया सीधा, आता कमी तो 1/2 हो जाता था, समझ मारा, ये तरीका समझ में आया, आ कहता 25% तो 25% वृद्धि किया है तो 25 × 100 कर देंगे 1/4 1 + 1/4 हो जाएगा, ऐसे करके डायरेक्ट बात समझ मारा ना। तो 3/2 क्या निकल गया, उसका नया भुजा निकल गया, क्या निकला, तो क्या पूछा सवाल में, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा वृद्धि उसका आयतन में कितना परसेंट क्या होगा वृद्धि होगा, तो V1 बराबर बोलो शुरू में कितना आयतन था उसका, घन का आयतन बराबर भुजा क्यू, अब V1 बराबर क्या होगा भुजा क्यू, यू में होगा तो नया भुजा 3a/ क्या है 3a/2 का क्या हो जाएंगे क्यू हो जाएंगे, तो 3×3 = 27 × 2 = 4 × 8 ए क्यू, तो नया वाला हमको निकालना क्या है, इसके आयतन में परसेंटेज वृद्धि, परसेंटेज क्या निकालना है, परसेंटेज वृद्धि निकालना होगा ना, तो परसेंटेज वृद्धि निकालना है, क्या निकालना हमको, परसेंटेज वृद्धि निकालना है, कोई दिक्कत, परसेंटेज वृद्धि निकालना, वृद्धि निकालना है। तो ये कितना है, ए क्यू है, ए क्यू है क्या, ये पहले वाला है, अच्छा ई बेसी की बेसी, ई बेसी होगा, पहले ये था ना, अरे भुजा बढ़ा के तब ना ए क्यू निकाले हो, ये पक्का ही बढ़ल है, ये कितना बढ़ल है, इसको मैं इसको क्या करो घटा दो तो पता चलेगा कितना, यानी कि 27/8 और -1 कहेगा ए क्यू ने लिखे एक, सिर्फ हम लोग नॉमिनल डाटा घटाते हैं इसीलिए एक टर्म लाए हैं, जो दो चीज़ कहेगा ना
जो चीज दिया गया क्वेश्चन में फलना घटाएं बढ़ाए हैं ये सब वही टर्म ला देना क्वेश्चन में, अनुमानित डाटा क्या करना सिर्फ घटा देना, आई 100 से क्या करेंगे हम लोग भाग दे गुना कर देंगे, परसेंटेज में निकल जाएगा। बोलो आठ का आठ, 27 - 8 बटे 8 गुना 100, 27 - 8 कितना होगा 19 - 8 गुना 100 कितना होता है जी, करो 19 - 8 देखो आता है 2.375 गुना किसे कर जाएगा 100 से, तो अब समझ रहा है सब गुना कर देंगे 100 से आएगा 2.375 आ जाएगा, उसी कंसेप्ट इसको सॉल्व कर दिया ना, दिक्कत भी हुआ सॉल्व करने में, हमको लगता है फॉर्मूला बनिया यही है, फॉर्मूला कौन रख देगा दिमाग, इसीलिए तो हम फॉर्मूला से जल्दी बनाना चाहते हैं, डायरेक्टली बनाओ अपना तरीका से बनाओ, आशा करते सबको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना। बहुत प्रकार लोग है तुम गूगल का नाम गूगल कर 225 गुना 2 प्लस 25 तू का माल बदल रहा है, हम सर अभी नहीं गरीबी में 80,000 का देखा झूठा गरीबी मैं क्या साल बना पढ़ेंगे उतना टका लगा, यदि किसी घन की प्रत्येक भुज अच्छे बना दिए अच्छा अच्छा, तो आपके पास क्षेत्रफल में कहा है देखो ट्रिक पढ़ोगे क्षेत्रफल का अलग आयतन का अलग घन का अलग घना मतलब सनेक जाओगे मोटा मोटी क्या होगा सनेक जाओगे, लेकिन इस कंसेप्ट से पढ़ोगे सनकाने नहीं देंगे, अगर आपकी बार इतना बनाए थे ना इस सवाल में अब की बार और शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे, यदि किसी एक ये सवाल ना रहे नंबर तमर न है एक घन की एक एक घन की प्रत्येक भुजा एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि कर देने पर एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% क्या कर देने पर वृद्धि कर देने पर एक घन की कर देने पर इसके 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 संपूर्ण पृष्ठ में कितनी वृद्धि होगी हम लोग किससे सॉल्व करेंगे प्रोसेस से करेंगे सॉल्व जन्मिन तरीका से, एक घन की प्रत्येक पहले भुजा कितना था शुरू में कितना था भुजा शुरू में कितना था ये था अच्छा नया न्याय कह लिखा जाता हमेशा न्याय करेंगे कितना परसेंट वृद्धि किया है 50% तो पहले था कितना अब 50% क्या किया एक का 50% क्या किया है वृद्धि कर दिया गया है 1/2 यानी कि 3/2 सीधे हो जाएगा, बोलो ना 3/2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो क्या निकालना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल घन का संपूर्ण सूत्र राहुल बताएगा घन का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है सर घन का संपूर्ण क्षेत्रफल घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर कितना होता है 6a² क्यों होता है तू सही बोला था वही लिखेंगे गलत होता नहीं वही हो तू जो कहा गलत नहीं कहा आजकल तुमने चला गम कमी नहीं है बहुत चला बना लिया है तू नहीं बना लिया बहुत चला तुम्हारा गम है कहाँ से ना ले गोलू ना अभी नहीं खेबे भुजा ए है नया नया हो गया ए प्लस ए बटा 3/2 ए हो गया समझ रहे हो ना तो संपूर्ण किसमें पूछा हमको संपूर्ण क्षेत्र क्षेत्रफल में ना तो 6a² फार्मूला होता है ना क्षेत्रफल फार्मूला एस बराबर क्या हो जाएंगे 6a² होंगे आ ये तो एस1 बराबर क्या हो जाएंगे 6 ए का मान नया भुजा ये नया क्या है जी भुंजा है 3/2 ए का स्क्वायर यहाँ 6 रखना है बाकी सबके मल्टीपल में लाना ला देना है जैसे यहाँ किए थे हम लोग यहाँ किए थे ना एक क्यू था ना एक ही मल्टीपल में था या इसको ये भी कह सकता था यहाँ पर एक क्यू है ना तो 27/8 क्या कह देता तू यहाँ पर भी कह देता और बेटर हो जाता तब थोड़ा सा दूर लिखने में सूत्र को भी याद करना नहीं पड़ेगा तो बोलो 3 * 9
नौ तीन तिया नौ, नौ बटे दो दुना चार, सिक्स स्क्वायर होगा, सिक्स स्क्वायर तो सिक्स स्क्वायर क्या कहो, नौ बटे चार हो गया, नौ बटे चार क्या हो जाएगा एस, नौ बटे चार एस। अब बोलो ई बड़ा के ई बड़ा, ये बड़ा होगा, नौ बटे चार इसमें है, नौ बटे चार में किसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे, पहले तो मुझे पास था दस टका, अब हो चुका है पंद्रह टका, क्या टका बचाओ, पंद्रह माइनस दस, पाँच टका बचा ना जी, अब गुना कर देंगे तो परसेंटेज में बदल जाएगा सीधे, वो एक सौ गुना कर देंगे तो परसेंटेज बदल जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो क्या निकालना है, रुको ना, परसेंटेज क्या निकालना हमको है, परसेंटेज वृद्धि निकालना है, तो नौ बटे चार कहेगा कि छः जो है नहीं, कहेंगे छः कहाँ है, इसको देखो नौ बटे चार को देखो, अब पहले था कितना एस था, पहले कितना था एस, अब कितना हो चुका है, नौ बटे फोर एस हो चुका है, तो नौ बटे फोर हो चुका है, था कितना एक, गुना कर देंगे किससे, एक सौ गुना कर देंगे, नौ बटे चार माइनस एक, चार कहाँ चार, नौ चार गया पाँच बटे चार, पाँच बटे चार गुना चार एक सौ पच्चीस, हाँ एक सौ पच्चीस हो जाएगा सर, कते हो जाएगा, चार से करेगा तो पच्चीस, एक सौ पच्चीस है वहाँ देखो तो, परसेंट है हाँ, समझ में आ गया ना, यानी कि तरीका ये काम कर गया, जाओ अथी रुपया, चलो ठीक है, कहना चाहो, चल शाम लोग आया पैसा लेके ना आया के थीन लेके चल गया, लोग को थीन बोलो ही नहीं लाने के लिए, अपना ले ले आओ थीन, अपना बनाओ, तो देखो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, यदि सवाल है कि सवाल यदि एक बेलन की सवाल जिसमें से ठीक है कोई बात नहीं है, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, किसी बेलन या शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः x परसेंट और y परसेंट बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में परसेंटेज वृद्धि का फॉर्मूला दिया है, ठीक है, नोट, यदि त्रिज्या x परसेंट दो शंकुओं के, क्वेश्चन लिखते हैं, दो शंकुओं के आधार की त्रिज्याओं में आर अनुपात आर का अनुपात हो तथा उसके आयतन समान हो तो उनकी ऊंचाई में अनुपात आर बटे आर स्क्वायर होगा, क्वेश्चन एगो लेते हैं इस पर, देखो थ्योरी हो गया, ये दो शंकुओं के आधार की त्रिज्या में कितना का अनुपात है, आर का अनुपात है तो उसके आयतन समान हो, आधार के त्रिज्या दोनों क्या होंगे, आर का अनुपात में हो, है ना, यही कहा है, तो उसके आयतन समान हो तो उनकी ऊंचाई में इतना का अनुपात होगा, क्वेश्चन है, दो शंकुओं के आधार की त्रिज्या में पाँच अनुपात चार के अनुपात है, दो शंकु क्या है त्रिज्या, उसमें कितना का अनुपात है, पाँच अनुपात चार का अनुपात है, यदि उसका आयतन समान हो तो उसके ऊंचाई में अनुपात कते हो जाएगा, इधर चार चौके सोलह बटे पच्चीस, सोलह अनुपात कते हो जाएगा, पच्चीस हो जाएगा, हम ये क्वेश्चन करने के विचार में नहीं, हम ये लिखने के विचार में थे, लिखा गया वो, यदि किसी गोले की त्रिज्या, यदि किसी गोले की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो गोले के आयतन में कितने परसेंट वृद्धि होगी, गोले के आयतन में कितने परसेंट वृद्धि होगी, सॉल्यूशन, यदि किसी गोले की त्रिज्या कितना परसेंट रह देंगे 20% तो शुरू में कते होगा त्रिज्या उसका, और नया वाला त्रिज्या कते परसेंट बढ़ाया है 20, तो R प्लस R का कते परसेंट बढ़ाए हैं 20%, परसेंटेज मतलब होता है 1/100, परसेंटेज मतलब क्या होता है 1/100,
एक सौ पता है सबको एक टैक्स होता है, इसीलिए 20% कहते टैक्स लिख दिया, नहीं तो कहता एक सौ कैसे लिखिए। परसेंटेज मतलब परसेंटेज बराबर होता है एक बटे एक सौ। अब बदलना हुआ किसी चीज़ को परसेंटेज में से एक सौ से भाग देते हैं ताकि एक सौ से इसमें गुना करते हैं, गुना करेंगे भाग करेंगे फिर कट के उतने होगा, इसीलिए तो ये कितने हो जाएगा 20 × 25 = 100 एक बटे पाँच। तो आर प्लस आर बटे क्या हो जाएगा 5 × 5 = 5 R और प्लस 1 = 6 R/5। तो क्या क्या निकालना है आयतन में कितने परसेंट क्या होगा वृद्धि होगा, तो परसेंटेज क्या निकालना है। अच्छा पहले ये निकालो ना नया वाला आयतन, पहले शुरू में आयतन कितने होगा, गोला का आयतन कितना होता है 4/3 × Q, नया का 4/3 × R(6R/5)³। तो 4/3 रहने देते हैं, 6 × 36 = 36 6 × 36 = 36 6 × 200 = 16 25 × 5 = 125 4/3 × Q होंगे, 4/3 × Q क्या लिख देंगे भी। ये बड़ा वाला है क्या है छोटा वाला है, अब क्या निकालना हमको है परसेंटेज वृद्धि निकालना है। तो 216/125 और माइनस कर देंगे एक, अरे पहले कितना था भी देखो अब कितना हो चुका है, पहले तो माइनस भी टका था, हो चुका इतना टका हो चुका, कितना टका बढ़ा इतना माइनस इतना, अब परसेंटेज में तो गुना कर देंगे निकल जाएगा गुना। घटाव कहता है तब ये माइनस ये करते बढ़ा है ये माइनस मतलब बड़का माइनस होता किया जाता है मत्ता मटी है बुझो। और गुना किसे कर देगा 216 × 125 गुना 100 करो जब 72 भाग दो तीन है फुट दे दूंगा गुना भाग करने का, नहीं तो कैलकुलेटर रखेंगे कल से साथ में 125 शिवा मोबाइल लाया कर दे दिक्कत है 125 मैंने काम कर करता है गुना भाग कैलकुलेटर से भी लोड कराओ उसमें अभी तक लोड का है सर वही लोड करना चाहिए 75.8 है सर 72.8 हाँ कम सूझता है डाउनलोड करो सेंड भी कैलकुलेटर कलर करो मेरे देवी हाँ इमेज सर्च सेंड कर कोटा टेलीग्राम फेसबुक व्हाट्सएप ये सब चलाना चाहिए धीरे धीरे आएगा सर। अगर गोला के अगर किसी नहीं लोड है तो बोल भेज दे अगर किसी अगर 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 किसी गोले की इसके हमारे ठीक कर देना सब चीज सिस्टमेटिक रूप से जैसे जैसे हमको काम होता है वैसे वैसे ठीक है सर सब ठीक तो करो उससे पूछना नहीं पड़ेगा सब सेटिंग है। अगर किसी अभी कांचे सर जी लत अभी पता चले तो अगर किसी गोले की त्रिज्या तैयार रहे से 50% बढ़ जाती है त्रिज्या कितने परसेंट बढ़ गया है 50% तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल गणका सब पढ़ने कहनाता है अभी बहुत बात गणका का पृष्ठ क्षेत्रफल में गणका जब नहीं आएगा मानसो कहता है उसका तबीयत खराब है बहुत ज्यादा ठीक है उसका साथ में मत पढ़ाइएगा समझ में आएंगे ठीक है दक्षिणा देखा तब ना गावा में खाली में धान रोप ले जाता सब तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने परसेंट कौन कौन धन अपने जाता है डाल रहा खेत आते हैं वो बिया लगा तो उसके कितने तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी तो कुछ हो दिक्कत नहीं है नहीं पढ़ने तो पता चलेगा कल को देखेंगे अंकित के खेत में आयर बन रहा है कुछ दिन बाद क्या देखने मिलेगा अंकित खेत में गनका सब आयर बन रहा है कहेंगे बगल में हम जाएगा दिन हमको जोने लगेगा है ना बगल में अंकित सर यहां कवे सर थोड़ा जरगर दे दो कि जोन तो नहीं लगेगा कस तरह पुस्ता बांध दो बढ़िया समझ में आ गया ना। अगर किसी गोले की जार का फार्मूला दे देंगे स्वाहा मजा मजा खाओ ठीक है आटा बंद करो अरे गोला के त्रिज्या कितने परसेंट बढ़ा दिया गया है 50% तो शुरू में देखो एक और तरीका सिखाए शॉर्टकट जो मन में आता है शुरू वाला कुछ नहीं करो सीधा किसको ब्लॉक करो नया ब्लॉक करो किसको ब्लॉक करो नया ब्लॉक का नया शुरू है वो तो उतने रहेगा जी जितना होता फार्मूला सब वही रहेगा उसमें कुछ चेंजिंग होता है नहीं तो नया ब्लॉक का त्रिज्या कितने हो जाएगा 50% बढ़ाया 50 में भाग दो 100 से 50 में 100 1 + 1/2 हाँ 1 + 1/2 3/2 हाँ 3/2 R1 ये क्या निकल गया नया वाला अरे ये क्या निकला नया निकला रेडियस निकला नया वाला हाँ। होंगे ना इतना
टंगे होंगे आर नया वाला आर फुल वाला है, नया वाला आर वन निकल गया, नया वाला आर वन। तो कौन चीज पूछा है? प्रीस्ट क्षेत्र का। कौन 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 फिगर का? कितना होता है ब्लॉक प्रीस्ट क्षेत्र वाला होता है? फोर पाई स्क्वायर। हाँ तो एस वन बराबर फोर पाई आर स्क्वायर। हाँ तो तीन बटे दो का, तीन बटे दो आर का क्या होगा? स्क्वायर होगा। तीन बटे दो आर का क्या होगा? तो परसेंटेज क्या निकालना हमको है? परसेंटेज वृद्धि। तो फोर पाई यहाँ भी और वहाँ भी फोर पाई, समझ रहे हो ना? यहाँ हो जाएंगे एस, एस मतलब वन, अच्छा वृद्धि निकालना तो ये बेसी होगा, ये होगा बेसी। तो तीन तिया नौ, नौ और बटे दो दूना चार, तीन तीन बटे चार फोर पाई स्क्वायर और माइनस एक और गुना एक सौ। अब की बार थोड़ा सा और शॉर्ट करेंगे, बगल में यहाँ शॉर्ट करेंगे, समझ में आ गया ना? ऐसे ट्रिक बनाते हैं धीरे धीरे। चार में से एक गया, नौ में चार गया, पाँच बटा चार आई काटेगा तो कितने होगा? पच्चीस पंचे एक सौ पच्चीस परसेंट क्या होगा उसमें? वृद्धि हो जाएगा। आ तो तीन ही लाइन में बढ़ लगता है घन घनाभ के साथ परसेंटेज जो खत्म हो गए है ना भांजे सर? नहीं परसेंटेज अल्लाह बंद करो। क्वेश्चन में क्या पूछा था? गोला गोलेन पूछा था। आए थोड़ा अप्लाई करो, मेमोरी का दिमाग है तो अप्लाई करो। अच्छा वृद्धि हुआ है, वृद्धि माइनस पहले वाला घटाएंगे, वृद्धि कितना हुआ है? 50% का। फार्मूला में क्या होता है? फोर पार स्क्वायर, वेरिएबल सिर्फ आ रही है ना जी, वेरिएबल सिर्फ कितना है? मुंह से निकालो, पचास पहले था एक, आप 50% बना दिए हो, यानी कि पहले आठ पचास तो एक तीन बटे दो, तीन बटे दो क्या हो चुका है? तीन बटे हो चुका है नया वाला, तीन बटे दो हो चुका है ना। फार्मूला में क्या होता है? आर तीन तिया नौ, दो दूनी चार, पहले कितना था? एक गुना एक सौ बराबर 125%। क्या हुआ? क्या हुआ सर? देख रहे हैं आप इधर, देख रहे हैं एक ही बार में ये सब नहीं करेंगे ना, फिर से एक बार कीजिए। तो एक सवाल बता देते हैं, दो तीन को उस पर ठीक है, तब तो एक लाइन आधा ऑब्जेक्टिव तब इसको नहीं रखेंगे। हम तो ही काम करते हैं ना, पहले थ्योरी पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, थ्योरी देंगे देंगे, एक बार कैंची मार देते हैं फार्मूला का केडी बडी। अभी तक जितना तूने पढ़ा है ना सबको दुल्हन में सॉल्व कर दिखा देंगे सबको। देखा कैसे कर लीजिएगा, कहेंगे सब सवाल अभी तक जितना होता है, सब सवाल लो हमको, सवाल लो सब। हे गन्ना कुमार हटाओ ना इसको, पहले इसको नहीं दीजिएगा। गन के है तू ऐसे में गन का जाओ मिलो मंदिर के बगल में, गौरा गन का दूल्हा पर घीच के मारने रे, मारे कम में जोर से क्या इसको चोट लगेगा? हां बुलडोजर मार मार। एक सेकंड रुको, ये सवाल था ना, यहां देखो अभी जितना सवाल बताया ना घन घना कोनो फिगर को, कोनो फिगर पर सबको शॉर्ट कर दें, सबको शॉर्ट कर देंगे सबको, चाहे प्लस बढ़ा हो कि घटा हो, अपना ट्रिक है और हम ही जानते हैं कि तू ही जानता है। देखो यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा कितने परसेंट बढ़ाया है? 50% वृद्धि कर दी जाए इसका आयतन में, आयतन में। अच्छा आयतन का फॉर्मूला कौन वृद्धि कौन सी किया है? आयतन, आयतन फार्मूला घन का आयतन क्या होता है? भुजा में वृद्धि किया, भुजा में वृद्धि किया तो नया भुजा कते हो जाएगा? ए प्लस ए बटे 50। अरे सीधा पहले एक था, 50% बढ़ चुका है तो डेढ़ टका हो गया, डेढ़ टका हो गया, डेढ़ हो गया ना, ठीक है डेढ़ वन बटे टू ए हो गया, डेढ़ मतलब तीन बटे दो ए, तीन बटे दो ए हो गया। क्वेश्चन में कौन आयतन में वृद्धि निकालना था, किस में वृद्धि निकालना था? आयतन फार्मूला में क्या होता है? ए क्यू, तो नया ये कितना निकला? तीन बटे दो, तीन बटे दो है ना, तो तीन तिया नौ, नौ बटे चार उधर वाला एक, एक गुना एक सौ, एक सौ तो चार का चार, एक सौ पच्चीस हो गया है, एक सौ पच्चीस से ना होगा। हाँ दीजिए ठीक है, पाँच ठीक है। अरे एक मिनट एक मिनट, क्यू है ना जी क्वेश्चन में, क्यू कहा था ना। एक चीज और, नौ गुना तीन गुना दो अब हो गया, नौ तिया नौतिया सत्ताईस और माइनस चार दूना आठ बटे आठ गुना एक सौ, जैसे खुशी खतरा से खाली नहीं है, सत्ताईस बटे उन्नीस बटे आठ, उन्नीस बटे कते हो जाएंगे? उन्नीस बटे आठ गुना एक सौ, तो निकल जाएगा 237.5%। किसको कुछ पूछना है बोलो, हल्ला बंद करो, तुमको खुजली क्या होता है देह में? समझ में आ गया ना इस क्वेश्चन के? देखो जितना पढ़ाएं पर उसको तो, उसको तो कंठाग्र कर लो, फिर अगर धर्मला इसी का इसी के बेसिस बना करेंगे ना सर, तो फिर तुम लोग हमला करने आता है ना सीधा पाकिस्तान उड़ा दीजिए, उन बुर्बक है पाकिस्तान वाला, वो मिसाइल लेकर बैठा है तौर में, मोट तौर में।
अभी जितना पढ़ाए हैं सबको लॉन्ग किया, क्या करेंगे शॉर्ट करेंगे सर। एक तभी समझ में आएगा, डायरेक्ट शॉर्ट समझ में नहीं आता है, डायरेक्ट दिक्कत हो सकती है। एक तभी सब तभी यही सोच रहे थे हम कि इस तरीका से तो पहले करते थे सदियों पुराना बात है, फिर स्मरण याद कहन हो रहा है, हमको स्प्रिंट हो रहा था, इसलिए एक बार काटना पड़ा। एक घन की प्रत्येक पूजा में 50% वृद्धि कर देने पर उसके संपूर्ण देखना कि दो चीज देखते हम लोग, तीन चीज देखा जाता है, कितना देखा जाता है, बढ़ाया घटाया कितना परसेंट, उसके अनुसार से त्रिज्या का है, जो बढ़ाया घटाया बढ़ाया उन्हें वो निकाल लेंगे नया वाला। और कौन फिगर है, गोला है शंकु है, कौन फिगर है, और कौन चीज़ घटाया वाला, क्षेत्रफल की आयतन, नया वाला कौन चीज़ निकालने का, तीन चीज़ देखते हैं फिर काम कर देते हैं। तो बोले फिगर में घन है, कौन चीज़ है घन, ये दिमाग सेट करके घन है, आप बखाने में सोचेंगे। भुजा में कितने परसेंट वृद्धि किया है, इसके संपूर्ण क्षेत्रफल में, फार्मूला में क्या होता है, सिक्स स्क्वायर, सिक्स स्क्वायर होता है ना, कितना परसेंट वृद्धि किया है, 50% नया वाला कितने हो जाएगा, एक बटे दो बढ़ेगा, तीन बटे दो, सिक्स स्क्वायर, तो तीन तिया नौ बटे चार, उधर एक गुना कर देंगे एक सौ, कुछ बुझ रहा है ना, क्या हुआ, चार का चार नमन चार गया पाँच, देखो ना यहाँ किए हैं सब बात, जिसको नहीं बुझाएगा इससे करना, तीन तिया चार का चार और नमन चार गया पाँच बटे चार गुना एक सौ, तो कर गया पच्चीस पंचे सवा सौ। गणक कुमार अगला क्वेश्चन निकालता है, फेल मान गया, हटाओ अगला पेज ला, इससे जस्ट पहले वाला जो सवाल बनाए थे, इसके बाद वाला तीन नंबर इस पे लिख दीजिए, इस सवाल पर ट्रिक से बना, इस सवाल को हाँ बनाइए ना, ट्रिक का बनाइए, यदि किसी गोले की त्रिज्या 20% बढ़ा देंगे, एगो की है गोला, हाँ गोला त्रिज्या कितने परसेंट बढ़ाया है, 20 में भाग दो 120 पंचे 100, एक बटे पाँच, एक प्लस एक बटे पाँच, एक प्लस एक बटे पाँच, छः बटे पाँच हो गया, ठीक है रखो दिमाग रखो, छः बटे पाँच रखो मेमोरी में, 6/5 लिख दो, भूलता है तो नया त्रिज्या हो जाएगा 6/5। कौन चीज़ मांगा हमसे, गोला है, गोला में कौन चीज़ वृद्धि करना है, आयतन वृद्धि करना है, तो गोला का आयतन में क्या होता है फॉर्मूला, 3/4 पाई आर क्यू, देखना वेरिएबल का क्या कॉन्स्टेंट, मतलब कॉन्स्टेंट से कौन मतलब वेरिएबल कितना क्यू है, आर क्यू है, तो आर क्यू 6×36 = 200, 216 और 25×25 = 25 उधर एक आ गुना कर दिया किससे, 100 से, क्या हुआ जी इतना दिक्कत का होता है यहाँ, हाँ तो चलाओ ना 72.8 चलाओ ना, चलाओ चलाओ कैलकुलेटर फाइल मार जाएगा दिमाग में सबको, ट्रिक भी शॉर्ट भी और लॉन्ग भी, क्या देखते हैं पहले देखते हैं घन घना है कि कौन फिगर है वो देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कितना परसेंट घटाया बढ़ाया है वो देख लेते हैं, समझ में उसको क्या देखते हैं, उसके बाद देखते हैं मांगा कौन चीज़ है, उसका फार्मूला में स्क्वायर है क्यू है क्या है वो कर करके आप पहले वाला के गुना सौ से दैनिक घिर देते हैं। अगला पेज लाओ, हाँ सर तुरंत आप मांगेगा तो जोड़ेंगे, कमी में आएगा तो घटाएंगे, कमी वाला भी बता देते हैं, सबसे बेसी टेंशन अभी अंकित को है सर, बताएंगे बताएंगे, विश्वास भरोसा नहीं है सर, एक दो तीन अब क्या लगे, तो भरोसा नहीं है हम पर, तीन कार्बन ना, एक दो अबे नहीं है, तीन चार वही अभी से आदत रहेगा तो अगर कम देगा नजर, आदत कई मन था मेरा चोरा लिया था इसलिए बस आ गया, किसी वर्ग की दोनों भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में परसेंटेज वृद्धि ज्ञात करें, सवाल बढ़िए है, किसी वर्ग की दोनों भुजा 10% बढ़ा दिए गए हैं, अरे वैसे भी वर्ग का दोनों भुजा बोलो 10% दोनों भुजा बोलो, वर्ग में तो भोज भी होता है, वर्ग है दोनों भुजा बढ़ाया है कितने परसेंट, 10% पता नहीं कैसे बनेगा सवाल ये कैसे बनेगा, 10% बढ़ा दिया गया यो भुजा, 10% बढ़ा दिया गया है यो भुजा, कोई दिक्कत ना शिवम, तो 10% ना बढ़ेगा भुजा, सीधा बोले तो भुजा कितने परसेंट बढ़ा, 10% भुजा, तो नया वाला निकालेगा, न्याय हमसे लिखा जाता है हमेशा, नया वाला निकालेगा तो पहले कितना था, पहले था एक, अब एक का कितने परसेंट बढ़ा है, 10% अब क्या हो चुका है, बट 0 0 कैंसिल, ए प्लस ए बटे 10 × 10 11/10 ए हो चुका है, तो क्षेत्रफल में परसेंटेज वृद्धि याद करें, क्षेत्रफल में क्या निकालना है, परसेंटेज वृद्धि, क्षेत्रफल पक्का है बढ़ेंगे, ठीक है क्षेत्रफल बढ़ेंगे, क्षेत्रफल में क्या निकालना है, परसेंटेज वृद्धि,
तो क्षेत्रफल में परसेंटेज वृद्धि की बात करें, कैसे निकालेंगे बताओ इसका? इसको मतलब क्षेत्रफल निकालिए ना तुम, एक देख अभी तो भुजन निकला है नया के, तो नया क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल में क्या निकालना है? परसेंटेज वृद्धि निकालना है। हाँ सर ठीक है ना, पहले क्षेत्रफल किसी वर्ग की दोनों भुजा 10% बढ़ा दी जाए, दोनों भुजा 10% क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो क्षेत्रफल में परसेंटेज वृद्धि ज्ञात करें। तो हम लोग शुरू में निकालेंगे, शुरू में कितना होगा क्षेत्रफल उसका, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, और नया वाला कितना हो जाएगा? देखो दोनों भुजा बढ़ाया है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है। हाँ निकल गया सर, 10% सही है, स्टेप निकल रहा है, 21% है आंसर, निकल गया। ठीक है काम करिए रहे ना, धीरे धीरे करेंगे, क्या दिक्कत? 11/10 का ये भुजा हो गया ना, नया वाला क्या हो, नया वाला क्या निकला, नया वाला ये भुजा निकला, तो नया वाला क्षेत्रफल क्या होगा, नया वाला क्षेत्रफल क्या होगा? 11/10 ये क्या होंगे, स्क्वायर, अगर ग्रह 21 से 10 दहाई 100, अगर ग्रह 21 से 10 दहाई 100 गुना 100 आ गुना गुना भी घटाएंगे तब ना, अभी ए स्क्वायर होगा ना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये कौन क्षेत्रफल है? नया वाला। ये क्या है? नया वाला। क्या निकालना है? परसेंटेज, परसेंटेज वृद्धि निकालना है। तो पहले कितना था तुम्हारे पास रुपया? पहले ए स्क्वायर था, ये इतना रुपया था, अब कितना चुका है? इतना हो गया। कितने बढ़ा, घटा दोनों को, 10% बढ़ा है तो पक्का 11/10 क्या हो जाएंगे, 10 नया वाला भुजा 11/10 11/10 का क्या कर जाएगा तू, स्क्वायर, और कितना हो जाएगा भुजा स्क्वायर होता है ना, गुना किससे कर देगा उससे, माइनस एक पहले वाला, पहले वाला ये एक होता है ना यहाँ पर, यही वाला एक यहाँ देते हैं, इससे पहले भी करते थे, तो बस 11/100 यही सवाल फिर यहाँ आ जाएगा, मतलब इतना छोड़ के डायरेक्ट यहाँ पर चले गए हैं। इसको दिक्कत होगा दोनों लिख लेना, इसको दिमाग में जाता होगा इसीलिए लिख रहे हैं, ये भी और साथ में ये भी लिख रहे हैं, ताकि तुमको जो आसान लगे उस प्रकार से तू काम करो। अब लगता है किसी छूटना नहीं चाहिए, समझ में आ गया ना? अब तो बहुत सारा क्वेश्चन मेंसुरेशन ही बेसी रहता है एग्जाम में, मेंसुरेशन ढेरी सवाल पूछता है, देखो यहाँ से, अरे तो छुच्छे मतलब ये कौन प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस सेट है, प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट है ये, तो ये तो प्रीवियस ईयर में तो दो तीन गो कुछ नहीं करता, दो तीन टा फिक्स ही रहता, दो से तीन गो। अब हम ये ऐसा करते हैं, कोनो क्षेत्रफल का कहेगा फलना घटा दिया गया है बढ़ा दिया गया है, तो उसको निकल जाओगे, निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे? यदि एक लंब वृत्त शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए, इसमें दो घंटा बढ़ाया गया है, बड़ा दिक्कत वाला बात है, दो को किसी निकालेंगे, ठीक है देखेंगे। तो शंकु के आयतन में परसेंटेज वृद्धि कितना होगा, तरीका क्या अपनाना है उसी को, प्रोसेस से फिर ट्रिक से, क्वेश्चन नंबर T8 है। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 20% बढ़ा दिया गया है, ठीक है बढ़ाने दो, तो नया वाला त्रिज्या बोलो कितने होगा, नया वाला त्रिज्या, शुरू वाला त्रिज्या और नया वाला त्रिज्या, त्रिज्या कितने परसेंट बढ़ाया है बोलो, 20%। एक लंब वृत्त शंकु का आधार की त्रिज्या और ऊंचाई, तो पहले था त्रिज्या आर, अब आर का 20% त्रिज्या क्या किया तूने, 1/5 यानी कि 5 का 5 6 r/2 कितने हो जाएंगे, 5 20 5 100 हुआ ना, तो 5 5 r प्लस r, तो 6 r/5 नया वाला क्या त्रिज्या निकल गया, फिर क्या बढ़ाया ऊंचाई, नया वाला ऊंचाई बोलो, नया वाला रामलाल ऊंचाई, इंजीनियर अंकित रामलाल, नया ऊंचाई बोलो 20%, फिर ऊंचाई पहले कितना था एच, अब एच का कितने परसेंट बढ़ाया है, 20/100 वो भी हो जाएगा, 6 h/2 कितने हो जाएगा, 5। तो नया वाला वॉल्यूमो कह दो, नया वाला वॉल्यूम कितना होगा, तो शंकु का है तो शंकु का आयतन कितना होता है जी, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 pi r² आर का जगह बोलो, आर की जगह 6 r/5 का स्क्वायर, एच का जगह बोलो 6 h/5 तो 1/3 pi r² h, और गुना 6 के
छत्तीस और छत्तीस गुना छः और पचे पच्चीस, पच्चीस गुना पाँच। क्या ये पहले वाला है, यानी कि छा छत्तीस छा के 216 और पच्चीस पंचे सवा सौ, इतना क्या हो गया, इतना भी तो आए नया वाला वैल्यू वन जी। अब इसको माइनस क्या कर देंगे हम लोग, क्या निकालना था क्वेश्चन, परसेंटेज वृद्धि, तो परसेंटेज क्या निकाल देंगे हम लोग, परसेंटेज वृद्धि निकाल देंगे, 216 बटा 125 माइनस एक गुना 100। इसमें दिक्कत क्यों है, पहले वाला वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पहले वाला वॉल्यूम होगा ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा ना, तो पहले वाला वॉल्यूम कितना है इसका, पहले वाला वॉल्यूम भी है। अब वॉल्यूम कितना गुना बढ़ चुका है, अच्छा यही पूछेगा कितना गुना बढ़ चुका है, या कि नहीं नहीं कितना गुना बढ़ चुका है, कितना गुना हो चुका है, दोनों में अंतर होता है, बात समझ में आ गया ना। तो ये क्या है, इतना गुना इतना हो चुका है, इतना हो तो 16 बटे 125 हो चुका है, यदि पूछे कितना गुना बढ़ चुका है, बस यही है, परसेंटेज गुना नहीं करेगा, 100 गुना नहीं करो, जो निकलेगा वही उतना गुना बढ़ चुका है, 100 गुना नहीं करो, अब गुना कर देगा उतना परसेंटेज बढ़ चुका है, यही पूछा है वृद्धि, दिमाग में गया, जैसे ग्रेविटी में पढ़े थे, हो गया बढ़ गया हो गया, मतलब बराबर वाला सवाल है, नहीं था दिमाग खराब आदमी कर देगा ये गो लोचा के चलते। चलो 125 तभी 91 बटे 125 गुना 100 हो गया, एक सवाल तभी किए थे, देखो नहीं लिखा होगा था, इसलिए याद है हमको, 91 आंसर होता है, हां सर 91 है जो, वाह तू तो गम लग दिन नहीं लगा, पूरा टाइपिंग हार्ड है अंकित, आंसर कहां मिला, 91 बटे 125 बोले तो आप डायरेक्ट पे कर दिए, 91 बटे 125 100, अब करो 63 आएगा इसका, नहीं 25 पंचे करो जल्दी, मोबाइल का रखा जेब में, फोड़ दो सर, फोड़ दो उसको, सेंटीमीटर को डाउनलोड किया सर, देते हैं सब 40 सेंटीमीटर करेगा, तू लोग कोई काम या करने 91 है बुरबा कावला को कटरा को निकाल के यहां पर गुना वाका मुंह से नहीं करेंगे, 5 चौके तो कल समीर रखा 72.8 आएगा, हां 78 आ गया, 72 पॉइंट कितना आएगा, सेम आंसर निकला था उसका, 72.8% ऑप्शन में नहीं है तो कितना मान लेंगे हम लोग, 73 मान लेंगे, 88 का सी है आंसर, देखो तो 88 88 है ना, 72.8 नहीं है तो 73 हुआ ना जी, है 72 क्या नंबर सवाल था, ये 88 सवाल था, 88 देखो तो उसमें कुछ दिया है, उतने निकला है ना, ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। एक बेलनाकार, ठीक है, तो इतना तक दिक्कत भी है, और भी सवाल होते हैं परसेंटेज का, अब परसेंटेज नहीं बताएंगे और तुमसे बन जाएगा सवाल, नहीं बन जाएगा मेरी हो, मतलब ट्रिक भी अच्छा कहेगा, इसको ट्रिक से नहीं बताए, बताते हैं हल्ला क्या करता है, हल्ला क्या करता है, ट्रिक बताएंगे ना, चलेगा लिविर लिविर ने देखो आगा पागल, ए इधर देखो, त्रिज्या कितने परसेंट पर आया है, 20 और ऊंचाई कितने परसेंट बढ़ाया है, दोनों 20 है 20 है तो 6/5 दोनों हो जाएगा, 6/5 और फार्मूला में क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर क्या होता है एच, तो आर कितना, 6/5 6/5 के स्क्वायर गुना 6/5 और माइनस 1 गुना 100, स्वचन शक्ति है ये, कोई ट्रिक नहीं है दिमाग से, अब बात सॉल्व करेगा तो कते आ जाएगा, 73% आंसर आ जाएगा, अपना स्वयं शक्ति ये है, बोलो चाचा कितने आएगा लास्ट में, चाचा कितनी छाक 216 अब 125 माइनस 1 गुना 100 क्या हुआ है जी, क्या सोच रहा है, हमको ट्रिक फ्रिक नहीं है पता, हम ट्रिक निकालते हैं अपने, अपना ट्रिक है ये, किसे बताए हैं ये ट्रिक से बताए हैं, समझ में आ गया ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेमो ने भागता है जल्दी, टेमो हो ही गया कहाँ हुआ है टेमो भी, टेमो ने भाग रहा दौड़ पहुंचा देते हैं, ठीक है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले घड़ी को देगा, मैं सर कुछ नहीं किए, कितने त्रिज्या वाले, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, 2 सेंटी गोले ठोस गोले में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बन सकते हैं, इस टाइप का सवाल बना चुके हैं, सवेरे चल जब छुट्टी दे देते हैं इस पेज को भर के, इस पेज को भर के छोड़ देते हैं, थिन ले जाओगे, हम नहीं जाएंगे लेकिन मेरा कुछ और प्रॉब्लम है, 8 सेंटी तुमको ऐसे बीमारी रहता है, राहुल कांड है सर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ये हुआ सर, दे दे दसना निकाल के सर, जानते हैं मेरा बाबू 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, अंकित को ले लो निकाल तो भी लेना, करना मिस्टेक्स कट गया केस कर दीजिए,
आज सेंटी नदी जा वाले अंकित है ये है करने में तो दिक्कत क्या है दोनों बगल में खोजना पड़ेगा तुमको एक बुलेट वुलेट कसा लेना बढ़िया से वो गाड़ी मोबाइल तोबाइल दिलवा देंगे एक बढ़िया ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से कर देंगे एप्पल सबका सेट 80-90 हज़ार में मिलिए जाएगा कि अमेरिका से जब तक लाउडी सेट नहीं मारेगा ही तक गया उनको लूट लिया मोबाइल देता है तू का है इसको तुमको नहीं आता फंक्शन करने सीखेगा करो अपने करो सब इसको दिए कहाँ अब सुबह कैसे कर लिया सब चीज तुम्हारा हैक कितने ठोस गोले बन सकते हैं आगे का रास्ता तुम लोग का काफी आसान हो जाएंगे बात समझ में आ रहा है ना आगे के सफर बहुत क्या होंगे आसान हो जाएंगे जब भी कितने गोले बन सकते हैं कितने घन बन सकते हैं जो बड़का वाला है नंबर निकालना होगा तो बड़का वाला का आयतन अब बता छोटका जिससे आयतन है दो एन निकल जाएगा बड़का आयतन बट छोटका आयतन इंजीनियर सब देखो ठीक है पहले प्रोसेस से तो मान लिया एन बन सकते हैं कितना बन सकते हैं एन बनेगा हाँ झुठा कते बनेगा हाँ एन बनेगा कते एन तो इसका आयतन बराबर एन इंटू इसका आयतन दोनों का आयतन क्या होगा बराबर होगा देखो कब होगा बराबर इसका आयतन निकालेगा तो आयतन इसका कितने होगा गोला है तो गोला का आयतन क्या होता है गोला का आयतन होता है 4/3 πr³ बराबर एन इंटू एन इंटू 4/3 r³ अरे ई बड़का है तो छोटका से एन से गुना करेगा एन 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 गोला होगा इतना एन तक होगा तब ना बराबर होगा दोनों बात समझ में रहे ना अब 4/3 π 4/3 π क्या हो गए हैं कैंसिल अब यहाँ से एन बराबर निकालना होगा निकला फार्मूला r³ अब बटे r³ निकला निकला ना सूत्र जी इसीलिए बोले सीधा क्या कर देंगे आयतन को हम लोग त्रिज्या क्या करेंगे क्यू कर देंगे सीधा फार्मूला में निकल जाएंगे तो बोलो एन बराबर कितने गोले बना दे सकते हैं 8³ अब बटे r1 है 2³ तो 8 × 8 × 8 × 4 × 8 कैंसिल तो 64 गोले बनाए जा सकते हैं बात समझ में आ गया ना 64 गोले बनाए जा सकते हैं समझ में आ गया ना और इससे आगे हम लोग लाइक करो।